चमोली जो आपदा आई थी, आपने देखा था कि ग्लेशियर टूटा था और पूरा उसका जो सैलाब आया था उसको सबसे पहले जो लोगों तक पहुंचाया था वो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मनवर। आइए उनसे जानते हैं कि उस टाइम क्या हुआ था और उन्होंने कैसे लोगों तक ये पूरी जानकारी पहुंचाई। सर नमस्कार, 10:45 का समय था 7 फरवरी को और मैं यहीं पे खड़ा था और हम ऊपर गांव में तपोवन में था। हमारे एक मित्र हैं विवेक पंज, उनके घर पे था। वहां से हम जैसे वापस आए तो हमारे यहीं सेवंटर का बड़ा पूरे क्षेत्र में काम है और हम इसी मीटिंग को लेने के लिए बड़ा गांव जाने वाले थे। हमारे वहाँ पर सेवा कृषि संसाधन केंद्र बनाने हैं इस क्षेत्र में, हमारा ई हेल्थ सेंटर और संसाधन केंद्रों के नाम से अभी हम नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, नए प्रकार के काम हैं। तो उसी समय क्या हुआ कि जैसे मैं बाइक स्टार्ट कर रहा था तो तब तक बहुत बड़ा धुआं उधर से उठता हुआ हुआ, बहुत भयंकर आवाज़ थी, जैसा लग रहा था कोई पहाड़ खिसक गया हो। तो सामने से ऊपर से लोगों ने जो है बड़ा जोर शोर से हल्ला मचाना शुरू किया, कुछ लोगों के रोने की आवाज़ यहाँ शुरू हुई। तो तुरंत विवेक पंजी बोला भी देखते हम क्या हो गया। यहाँ से हम उस सामने वाले रोड पे गए, वो साइड है जो सामने वाली, उस साइड पे जाते ही देखा तो ऊपर बहुत बड़ा सैलाब आना शुरू हो गया था। तुरंत मैंने क्या किया कि कुछ लोगों को जैसे जिला पदाधिकारी जी को फ़ोन लगाया, पर संडे होने के कारण उनका शायद उस समय बिजी थे तो फ़ोन लग नहीं पाया, इसलिए मैंने तुरंत जिस प्रकार, क्योंकि हमने केदारनाथ 2013 की आपदा अपने आँखों के सामने देखी थी, उस समय कर्णप्रयाग में था तो उस समय भी हमने बहुत रिहेबिलेशन का काम शुरू किया था, तो उस समय से सेवंस का काम शुरू हुआ। तो वैसे तौर की भाई सबसे पहले क्विक रिस्पॉन्स क्या होगा, तो जब जैसे फ़ोन नहीं उठा तो मैंने सबसे पहले फेसबुक के से जुड़े मेरे 5,000 मित्र हैं, मैंने कहा कि फेसबुक से तुरंत लाइव दिखा लूँ कि क्या स्थिति है। तो फेसबुक जैसे लाइव मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने कुछ मित्रों को फ़ोन किया, अपने जो पहाड़ टीवी से हैं नवल खाली जो मेरे मित्र हैं पहले से ही हैं, तो उनको मैंने तुरंत फ़ोन किया, वो सो रखे थे, वो जैसे उठे उन्हें मैंने ये बोले ये सारी घटनाएं, उन्होंने तुरंत उस पर फिर रिस्पॉन्स किया, पूरा शासन प्रशासन के बाद जागना शुरू हुआ। अच्छा, आपने क्या देखा वहाँ पे, कितने लोग थे नीचे, जो आप लोगों ने क्या बताया उस टाइम, कैसे हल्ला करके उनको बताया? उस समय हमने यहाँ से सीटियाँ मारी, हल्ला मचा है, पर क्या है कि बहुत ही चंद सेकंड का समय भी नहीं था, जैसे वो लोग कुछ पहले इधर को आए फिर उधर को गए और ऐसे 10-15 लोग कम से कम एक साथ छलांग, ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ उनको धकेल रही है, पूरा समा गया है उनकी बहुत सारी जिंदगी, हम कुछ नहीं कर पाए उस समय, क्योंकि वास्तव में कोई भी उस समय कुछ नहीं कर पाता, वो ऐसा सेकंड का समय था, चंद मिनट सेकंडों का समय था जिसमें कुछ भी नहीं कर। कितने लोग मौजूद थे वहाँ उस टाइम नीचे? उस समय कम से कम 50-60 लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें से 15-20 लोग हमने जाते हुए देखे उस सैलाब में और बाकी का अता पता नहीं है कहाँ है। अच्छा, अभी तक आपके वीडियो को कितने लोग देख चुके हैं? अभी तक वो 33 लाख लोग हमारे वीडियो को देख चुके हैं जो फर्स्ट वीडियो था। आपको लगता है कि आपने इतना अच्छा जागरूक काम करा और आपके वीडियो देखने के बाद नीचे तक प्रशासन तक को पता चला और नीचे जितने भी क्षेत्र हैं उन लोगों को पता चला और वो अलर्ट हुए, तो आपको क्या कहना है इस बारे में? जैसे मैंने उस वीडियो को डाला तुरंत उसके बाद मैंने कुछ अपने कर्णप्रयाग हो गए और चंबोली में हो गए, श्रीनगर में हो गए, कुछ मित्रों को फ़ोन किया गोपेश्वर में होते हुए, तो तुरंत उनका रिस्पांस आना शुरू हो गया था। शासन प्रशासन कुछ SDM थे और यहाँ के जिलाधिकारी के साथ मिलकर ऑलरेडी पहले से काम करते थे, उनको भी फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, पर तुरंत ही लोग फिर जागरूक हो गए, तुरंत लोगों ने जगह जगह जो है प्रशासन ने अलर्ट करना शुरू कर दिया था। तो ये हमारे साथ थे मनवर, जिन्होंने सबसे पहले जो ये वीडियो बनाया और इसको लाइव करा और जिसके बाद प्रशासन जागा और लोगों को पता चला, नीचे अलर्ट हुआ और उसका पता चला कि इतना बड़ा सैलाब आ रहा है, जिसके बाद कई लोगों की जान बच चुकी। अधीर यादव, जोशीमठ, न्यूज़ 24।